నా పేరు మనిషా, మేము శ్రీరామ్ కాలనీ. అయితే మేడం వస్తుందంటే అడగడానికి వచ్చినాము, డబ్బుల గురించి అడగడానికి వచ్చినాము. అయితే మేడం పోతుంది, వెళ్ళి అడగండి, మేడం పోతే మళ్ళీ అడగడానికి ఉండదు అంటే కొంచెం మేము ముందుకు వచ్చేసినాము. వచ్చేసి ఆయన సిఐ ఎస్ఐ అంట, కుమారస్వామి కుమారస్వారు, ఆయన వచ్చి లాఠీతో కొట్టి చేయి పట్టుకొని గాజులు మొత్తం పగిలిని చేతుకు ఇక్కడ మొత్తం లాఠీతో కొట్టిండు. కొట్టేసి ఒక ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఉంది, ఆమెని నన్ను మొత్తం స్కూటర్ మీద దొబ్బేసిండు. ఆయన ఇక మళ్ళీ మా హస్బెండ్ వచ్చి ఎట్లా కొట్టినావు అని అడిగితే, మా హస్బెండ్ అంటూ నేను ఏడ చూడాలని ఆడ చూసారు అని చెప్పి వెళ్తున్నాడు. ఆయన పండ్లు కొరుకుని వెళ్తున్నాడు. అసలు పోలీసు వాళ్ళు ఇట్లా చేసి మాకు న్యాయం ఎక్కడ జరుగుతుంది? అసలు బ్లడ్ వెళ్ళేటట్టు ఇద్దరు లేడీస్ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ యూనిఫామ్ మొత్తం బ్లడ్డే అంటుంది సార్ నాది. కొట్టి మళ్ళీ పండ్లు కొరుకుతున్నాడు ఆయన చూసి నన్ను. మా ఆయనను కూడా నేను ఏడ చూడాలని ఆడ చూసాను. మాకు ఏదైనా ఆయన శంకర్ ఉన్నాడు, కౌన్సిలర్ శంకరు, ఈయన పోలీస్ అయినా మాకేదైనా అయితే మాత్రం వాళ్ళే బాధ్యత. ఇంకా श्रीराम कॉलोनी से आए, पैसों के लिए मैडम से बात करेंगे बोल के आए, समिता मैडम से. पुलिस वाले पूरे मिलके लेडीज को तीन जनों को मारे हमारे को, बस इतनी गुजारिश. कुमार स्वामी लाठी से मेरे को भी लगा यहाँ पर हाथ पे और इनको लगा, पूरे चुड़ियाँ छुप गए. और एक लेडीज छोटे बच्चे वाली प्रेग्नेंट उनको भी ढकल दिए. ये कोई तरीका है सर? ऐसा नहीं करना ना. लेडीज पुलिस भी थे, उनसे मारने लगाना था, मारना है तो जेंट्स को लेडीज हाथ उठाते, ऐसा नहीं करना ना. ऐसा बहुत गलत है, ये ड्यूटी से असेसमेंट कर देना उनको, नहीं रखना. दिल्ली में जो 19 वार्ड में जो 10,000 रुपये दिए बोल के जो बोल रहे हैं ना, मैं आपको मीडिया की थोड़ा एक आपसे ये करना दरखास्त बोल रहा हूँ. मैं मेरा बच्चे पे हाथ रख के बोलता हूँ, शंकर पूरन को 10,000 रुपये नहीं दिया, 5,000 रुपये दिया. अगर उन ईमानदारी से अगर पूरन को 10,000 रुपये पूरन को बांटा होता, उन उसके बच्चे पे हाथ रख के म्यूनसिपल में कसम खाना. मैं मेरे बच्चे को ले जाता हूँ, मैं भी कसम खाता हूँ. उन पूरन को दिया क्या पूछो, पूरन को 10,000 रुपये, पूरन ने 5,000 रुपये दिया. मेरे कल मेरा घर की मेरा भाभी को 5,000 रुपये दिया उन. हाँ पूछे तो क्या बोला, तुम कर्नाटक महाराष्ट्र वाले नहीं देते क्या करते बोलने का बात कर रहा. मैडम अभी 2 साल में फिर इलेक्शन है, जब हम कर्नाटक महाराष्ट्र के वोटा जरूरत नहीं पड़ते मैडम आपको. हाँ पूछने गए तो मीरमा केशरा, अभी लोगों को ये अम्मा लोगों गए तो गालियाँ दे रहा हूँ उल्टा सीधा. शाम तक बैठ, हाँ शाम तक हम घर का नहीं बैठो, तुम्हारे को देता हूँ 5,000 रुपये कहते बोल रहा. जाके जहांगीर भाई को पूछो, जहांगीर भाई को करे ना तुम सपोर्ट. बोलो किसको पूछना मामलों का? घर में से दे रहा पैसा. क्या घर का अंदर का पैसा दे रहा? क्या हमारा कौन वार्ड नंबर? क्या वार्ड नंबर? 19 श्रीराम कॉलोनी जलपल म्यूनसिपल ऑफिस. आज मैडम जलपल्ली मराठा भवन को शादी मुबारक के शादी मुबारक के चेक देने के वास्ते मैडम आए. मैडम कल परसों जो काउंसलर जो करे श्रीराम कॉलोनी के काउंसलर 5,000 दिए, 2,000 दिए, उसलिए पूछने के वास्ते लेडीज आए. तो कुमारस्वामी साहब जो प्रेग्नेंट है औरत, औरत किसी भी नहीं देखी, औरत को मारना बहुत गलत है. कुमारस्वामी एसआई साहब ऐसा नहीं मारना, और उसको लेडीज अगर कोई भी ऐसा मारना ऐसा मारना बहुत गलत है. कुमारस्वामी को इसके बारे में सस्पेंड करना, कुमारस्वामी को सस्पेंड करना. मैं ये सीआई से दरख्वास्त करता हूँ, मैं ये चीज़ के वास्ते ऐसे बहुत गलत है. ये श्रीराम कॉलोनी में जो शंकर और क्या नाम है लेडी पे बाशम्मा, ये दो वार्डों में इतना ये 2,000 3,000 दिए, और वो जितने भी नामा लिखा लिए वो पूरा कैसा लोग बहुत फिर रहे, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, किसको नहीं दिए, 10 वालों को खाली 5,000 रुपये दिए. उसके बारे में पूछने के वास्ते ऐसे वालों को पुलिस वाले मारे, ये बहुत गलत है.
बहुत गलत है, ये नहीं मारना ऐसा पुलिस वाले सर, नहीं मारना, ये कुमारस्वामी को सस्पेंड करना, ये कुमारस्वामी को सस्पेंड, ये हमारे जलपल्ली के कमिश्नर साहब, कमिश्नर जलपल्ली के कमिश्नर, सब लीडरों से, मैडम से भी गुजारिश है, इसको इंक्वायरी करके कुमारस्वामी को सस्पेंड करना।